हे गाइस, वेलकम टू जीके स्टडी 24। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम मैथ का पार्ट टू करेंगे। और आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो गाइस वो ज़रूर देखेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को हम फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। और यहाँ पर 12.5% की फ्रैक्शन होगी 1/8। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू होती है और ऊपर वाली होती है जो कि जिसमें प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ होता है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे 12.5% का प्रॉफिट, 12.5% के प्रॉफिट पर बेची गई है। तो 1 का प्रॉफिट और 8 ओरिजिनल वैल्यू जो कि कॉस्ट प्राइस है। तो दोस्तों, यहाँ पे टोटल 9 हो जाएगा और 9 यूनिट के बराबर है हमारे पास 630। तो दोस्तों, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 17। दोस्तों, हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, 8। तो 8 × 17। एक मिनट दोस्तों, ये पेंसिल नहीं चल रही यार। तो दोस्तों, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 560 रुपये। तो दोस्तों, क्रय मूल्य हो जाएगा 560 रुपये। और दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छः सौ 1470 रुपये में 16.2/3% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दोस्तों, यहाँ पर 16.2/3 की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/6। तो दोस्तों, यहाँ पर टोटल 7 और 7 यूनिट के बराबर हो जाएगा हमारे पास 1470। तो दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 210। तो दोस्तों, हमारे पास नीचे सीपी दे रखा है और हमें क्वेश्चन में सीपी निकालना है। तो 6 × हो जाएगा 210। और दोस्तों, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 0, 6 और 12। 1260 रुपये आंसर हो जाएगा गाइस। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर 16.2/3% के लाभ पर बेचता है। तो दोस्तों, 16.2/3% की फ्रैक्शन होगी 1/6। तो दोस्तों, यहाँ पे विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचता है। तो दोस्तों, हमारे पास नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, विक्रय मूल्य होगी यानी कि सेलिंग प्राइस। और ऊपर वाली है जो विक्रय मूल्य पर उसे प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों, विक्रय मूल्य पे हुए प्रॉफिट को हम सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो दोस्तों, सीपी क्या हो जाएगी हमारे पास, 6 − 1 = 5। तो दोस्तों, हमें वास्तविक लाभ निकालना है। तो दोस्तों, प्रॉफिट कितने को हुआ, 1 का। सीपी कितनी निकाली हमने, 5, तो × 100। तो दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा 20%। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर आठ से ही 1/3 रुपये लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज का साइन होगा और 8 से ही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/12। तो दोस्तों जैसा कि हमें दिया गया है कि विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचता है, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, सेलिंग प्राइस, और ऊपर वाली जो कि प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास लाभ पर बेचता है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या और प्रॉफिट हुआ है ये, और दोस्तों सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी हमारे पास 11। तो दोस्तों वास्तविक लाभ निकालना है ना, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है 1 यूनिट का, कितने पे CP कितनी है 11 × 100। दोस्तों यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 से ही 1/11%। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, तो दोस्तों 25% की फ्रैक्शन होगी हमारे पास 1/4। तो दोस्तों विक्रय मूल्य पर, तो दोस्तों नीचे वाली क्या होगी, सेलिंग प्राइस, और ऊपर वाली 1 यूनिट की हानि हुई है यहाँ पर, जो कि दोस्तों ये एक है ना वो 25% हानि के बराबर है और नीचे वाली सेलिंग प्राइस है। तो दोस्तों एक की हानि हुई है तो हमारे पास यहाँ पे CP कितना हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। दोस्तों हानि हुई है ना तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 4 यूनिट + 1, तो कितना हो जाएगा 5। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 25% की हानि हुई है तो ये सेलिंग प्राइस में ऐड हो जाएगा तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगी। तो दोस्तों अब देखते हैं वास्तविक हानि, तो दोस्तों हमारे पास हानि कितनी हुई 1 की, और कितने पे कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 5 × 100। तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 20%। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दोस्तों पहले इसे सॉल्व करते हैं। 16 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस इक्वल टू है 14 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के। तो दोस्तों यहाँ से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का अनुपात होगा दोस्तों 7/8। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आगे देखते हैं, लाभ या हानि ज्ञात करो। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस हमारे पास 7 और सेलिंग प्राइस 8, तो दोस्तों कितने कितने यूनिट बढ़ा, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस 1 यूनिट बढ़ा है। तो दोस्तों हमें प्रॉफिट या लॉस देखना है, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ दोस्तों कितने पे 7, कॉस्ट प्राइस पे 100। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा 14, 14 से ही 2/7%। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि ज्ञात करो। तो दोस्तों 2750 CP इक्वल टू है 2500 के SP के, और दोस्तों CP अपॉन SP का रेशियो हो जाएगा हमारे पास
2500 अपॉन 2750। तो दोस्तों ये रेशियो हो जाएगा हमारे पास 10/11। दोस्तों ये 25 से कट जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास प्रॉफिट कितने का हुआ, एक का। दोस्तों तो कितने पे हुआ ये प्रॉफिट, 10 पे इंटू 100। तो दोस्तों यहाँ से आंसर आ जाएगा 10%। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगा 3/4। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, एक का। तो दोस्तों एक का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 3 पे इंटू 100। तो दोस्तों यहाँ से आएगा 33.33%। दोस्तों ये प्रॉफिट हुआ है। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को आगे देखते हैं दोस्तों। जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं के पर लाभ के बराबर है। 10 वस्तुओं पर बट्टा यानी कि 10 वस्तुओं पर डिस्काउंट इज इक्वल टू है 5 वस्तुओं के प्रॉफिट की, 5 वस्तुओं के प्रॉफिट की। तो दोस्तों यहाँ पर डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट हो जाएगा 1/2। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट। दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे। दोस्तों हमारे पास 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो दोस्तों यहाँ से हमने प्रॉफिट निकाला था 33.33%, और डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट इसका रेशियो निकाला था हमने 1/2। तो दोस्तों अब देखते हैं हमें कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी। दोस्तों हमने सी पी अपॉन एस पी की वैल्यू निकाली थी 3/4। तो दोस्तों सी पी होगी हमारे पास 3, और सेलिंग प्राइस होगी हमारे पास 4। तो दोस्तों हमारे पास प्रॉफिट कितने का हुआ, हमारे पास 2 का। दोस्तों प्रॉफिट हुआ हमारे पास 2 का। तो दोस्तों यहाँ पर 2 का प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों हम इन्हें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसलिए क्योंकि इनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। दोस्तों अब इनके बीच के डिफरेंस 2 के, जो कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों अब एमआरपी कितनी हो जाएगी हमारे पास, दोस्तों एमआरपी हो जाएगी हमारे पास, सेलिंग प्राइस है 8 और डिस्काउंट आया हमारे पास 1 का। तो दोस्तों सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट ऐड हो जाएगा और हमारे पास एमआरपी हो जाएगी 9। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है हमें कि लाभ और डिस्काउंट में अंतर कितना है। तो दोस्तों एमआरपी हमारे पास 9 है, एमआरपी हमारे पास कितनी है 9 है, और सेलिंग प्राइस कितनी है 8 है। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट कितने यूनिट का मिला है, 1 यूनिट का, कितने पे, 9 पे एमआरपी पे इंटू 100। तो दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा कि डिस्काउंट कितना है। तो दोस्तों यहाँ से डिस्काउंट हो जाएगा 11.11%। और दोस्तों हमारे पास प्रॉफिट आया था
दोस्तों हमारे पास प्रॉफिट आएगा 33.33% का, और हमारे पास डिस्काउंट आया है 11.11% का। तो दोस्तों ये प्रॉफिट परसेंट और ये डिस्काउंट परसेंट, तो इनका अंतर पूछा है हमें, तो वो हो जाएगा 22.22%। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, पर इसका तरीका यही सबसे बेस्ट है, आप इसे यहाँ से दोबारा देखिएगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों पहले इसे सॉल्व करते हैं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से सी पी अपॉन एस पी का रेशियो हो जाएगा 3/4। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 यूनिट का। तो दोस्तों 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 3 पे। तो दोस्तों यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 33.33%। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को आगे। जबकि 8 वस्तुओं पर बट्टा, दोस्तों 8 पे डिस्काउंट इज इक्वल टू है 6 वस्तुओं पर प्रॉफिट के, 6 वस्तुओं पर प्रॉफिट के। तो दोस्तों डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास 1, कैंसिल हो जाएंगे 4 और 3, 3/4। दोस्तों ये 3 है यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन को नेक्स्ट। दोस्तों हमारे पास प्रॉफिट कितने का आया वो, दोस्तों हमारे पास प्रॉफिट आया 33.33% का, और दोस्तों डिस्काउंट, 1 मिनट दोस्तों, दोस्तों डी अपॉन पी का रेशियो आया हमारे पास 3/4। तो दोस्तों सी पी कितनी थी हमारे पास, 3, जो कि हमने पहले निकाला था सी पी और एस पी का रेशियो। सी पी थे हमारे पास 3, 1 मिनट दोस्तों। दोस्तों सी पी कितनी थी हमारे पास, 3, और सेलिंग प्राइस थी हमारे पास 4। तो दोस्तों अब हमारे पास प्रॉफिट कितने का हुआ है, 4 यूनिट का। दोस्तों हमारे पास प्रॉफिट हुआ है 4 का। तो दोस्तों अब हमें इनको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है जिससे इनका डिफरेंस कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो दोस्तों इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। तो दोस्तों इनको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 4। तो दोस्तों देखिए 3 4 जा 12 और 4 इंटू 4 जा 16। तो दोस्तों इनका डिफरेंस अब 4 हो गया, यानी कि अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमारे पास, 4 का। तो दोस्तों हमारे पास डिस्काउंट कितने का हुआ, 3 का। तो दोस्तों डिस्काउंट को सेलिंग प्राइस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी एमआरपी। तो दोस्तों ये 3 का हुआ डिस्काउंट, 3 का, तो यहाँ पे हो जाएंगे 16 और 3 19। तो दोस्तों हमारे पास अब डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे हम, तो डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा हमारे पास 3/3/19 × 100। तो दोस्तों डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा हमारे पास 15.79। क्वेश्चन, दोस्तों ये पेज भर गया है तो मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। दोस्तों हमारे पास प्रॉफिट कितने का हुआ था, स्टार्टिंग में प्रॉफिट परसेंट निकाला था हमने 33.33%, और दोस्तों हमने
डिस्काउंट परसेंट कितना निकाला? डिस्काउंट परसेंट निकाला दोस्तों हमने 15.79%। तो दोस्तों हमें प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो दोस्तों इसमें से इसको माइनस कर देंगे दोस्तों, तो हमारे पास हो जाएगा 7.5%। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में आएंगे। दोस्तों अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी दिक्कत समझने में हुई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इसी तरह हम मैथ का सेशन नेक्स्ट करेंगे, तो दोस्तों आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। दोस्त धन्यवाद दोस्तों।